तो दोस्तों धीरे धीरे जो है हमारे बनारस ठीक हो रहे हैं और उनको खाना भी जो हम खिला रहे हैं। खाओ खाओ खाओ, क्या पानी दो, पानी पानी दो। अच्छा अभी देता हूँ, हाँ पानी दूंगा, पानी पीता है, मैं देखता हूँ पानी पानी पियोगे नहीं। तो दोस्तों आज तीसरा दिन है बंदर का हमारे घर पर, और कल हमने उसके मरे हुए बच्चे की डिलीवरी करवाई थी और इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया था। डिलीवरी करवाई आज बंदर के बच्चे की, ये टाइटल थंबनेल पर आप लोग देख सकते हैं। और उसकी स्थिति तो बहुत ही नाजुक थी, लेकिन कल बच्चे की डिलीवरी के बाद आज थोड़ा सही है, तो कल रात से हम उसको थोड़ा वीडियो उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स शूट कर रहे हैं कि जो अपडेट्स होगी कि क्या फ़र्क पड़ रहा है उस पर। तो ये हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, रोज़ रोज़ शूट करके देख रहे हैं कि जो अंतर होगा, जो उसमें फ़र्क होगा वो आप लोगों को भी दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं एक बार भी क्या कर रहा है, क्योंकि हमने अभी उसको दिन में सुलाया था, मक्खियाँ वगैरह भी लग रही थी तो ढक के रखा हुआ है। देखते हैं आगे। अच्छा नहीं लग रहा है, रोटी खा लो, खा लो रोटी, रोटी खाओ, लो रोटी खा लो, खा हो गया, नहीं खाता है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बनारस हमारे ठीक है, थोड़ा सा अभी उनका चल रहा है, थोड़ा अंगूर वगैरह उन्होंने खाए हैं, रोटी वगैरह भी खाई है, थोड़ा सा पानी पी नहीं रहे हैं, पानी हमने रखा था उनके लिए, पानी पी दिया है, और इधर रखा हुआ हमने दूध उनके लिए, और दूध भी नहीं पीते हैं वो। देखता हूँ फिर, अगर कोशिश करते हैं, अगर दूध पीना होगा तो उनको। नहीं पीना है, कोई बात नहीं, फिर दूध भी नहीं पीना है। अभी गर्म करके लाता हूँ दूध, ठीक है, दूध गर्म करके लाऊंगा, दूध दूंगा, ठीक है, हाँ शाबाश, अच्छा बच्चा है। अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, वैसे कल से काफी फर्क पड़ गया है, अभी देखो और क्या होता है, अब कल से और देखते हैं, क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है वैसे भी। केला भी हमने उनके लिए रखा हुआ है, केला तो एक केला मैं तोड़ लेता हूँ अभी, फिर देखता हूँ कि केला अगर खाएंगे तो फिर केला उनको दिया जाएगा एक। तो ये है केला कहाँ है, ये है। केला भी देता हूँ, लो लो और खा लो, खाओ खा लो, नहीं खाना है, और खा लो, खाओ बाबू, खाओ खाओ खाओ, लो खाओ, नहीं खाना है। अब जो है उनको खाना नहीं खाना है।
इसको हम रख देते हैं केले को, देखेंगे कि कल फिर उनको देंगे, अभी रात को भी देखेंगे और एक राउंड। तो दोस्तों बानर राज को हम अंदर ले आए हैं और अंदर वो सोए हैं आराम से, थोड़ा डरा भी दे रहे बीच बीच में, ये थोड़ा सा आज सुकून है उनको, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक हो जाए तो हमें भी खुशी होगी, और लेकिन एक हाथ और पैर थोड़ा सा काम कम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो लग रही है। फिलहाल अभी सुकून से आज सो रहा है, कल बड़ी तकलीफ में था तो इसलिए हमको बाहर रखना पड़ा, और हमने इसके ऊपर से कंबल से उसे ढका भी था, लेकिन आज हमने कहा थोड़ा ठीक है तो इसलिए हम इसको आज अंदर ले आए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, आज काफी एनर्जी में है ये, ले खा खा। तो आज काफी एनर्जी इसके अंदर मुझे देखने को मिल रही है, और उछल कूद भी कर रहा था अंदर, और उनको डरा भी रहा है अभी ये, क्योंकि अभी आदत नहीं है उसको इंसानों की। खा खा खा, ये आज काफी जो है चुस्त है, और पॉटी वगैरह भी ऐसे ही कर दे रहा है ये। लो खाओ खाओ वाना राज, खाओ खाओ आराम से खाओ। दोस्तों ये है हमारा सिलोर घाटी है, तिपोला में इस वक्त हम हैं, और मेरा रूम है, और हमारा बेबी बंदर बेबी इधर है, तो इसको देखते हैं कि क्या स्थिति इसकी भी है, क्या कर रहा है, देखते हैं जरा सा। ये देखो अभी आराम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मक्खियां लग रही थी दोस्तों, तो मैंने इसको जो है ढक करके रखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा सही है, और चेहरे पर भी उसके थोड़ा सा रौनक दिख रही होगी आपको, देखिए बहुत ही फर्क उसमें आ गया है, और फिट लग रहा है अभी, तो अभी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन अब ज़्यादा ये फिट लग रहा है तो इंजेक्शन लगाने देगा नहीं लगाने देगा अभी मालूम नहीं पड़ता है, फिर भी कोशिश हम करेंगे, और ताकि बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो और हम इसे फिर से जंगल में इसके साथियों के साथ छोड़ पाएँ। ये ले ले, ये खा ले, ले ये नया खा ले, ले ये खा रहा है। संतरा भी है हमारे पास तेरे लिए,
और भी वो है, केला भी है, सब कुछ है। खा रहा है धीरे दोस्तों, धीरे धीरे इसको खा करके एनर्जी मिलेगी तो फिट होगा, तभी हम इसको छोड़ पाएंगे, वरना ऐसी स्थिति में इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। और ये हमको डराता भी है अभी, लेकिन काफ़ी अंतर है उसके बाद, परसों तो बिल्कुल ही मरणासन्न स्थिति में ये था, लेकिन आज काफ़ी फर्क है। अब वही तो, और खाता भी ऐसे है कि वो हाथ में कटे नहीं करते ना। क्योंकि इस तरीके से भी खा रहा ना वो, जैसे नहीं तो फक करके नहीं मार रहा है मुंह हाथ ना, मुंह नहीं तो उसको लग रहा है कि यार कट ना जाए करके, और वैसे फ्या फ्या करके डरा रहा है हमको। दर्द हो रहा होगा ना। प्याज खा रहा है और दोस्तों लोग भी उसका हाल जानने के लिए जो है आते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक का, और हर कोई अपनी ओर से कोई दूध, कोई केला और कोई अंगूर वगैरह लेकर के भी आ रहे हैं। तो सारे लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक, हम शूट कर नहीं पाए थे लेकिन अभी इतने लोग आए हुए हैं देखने के लिए।